तो गाइस ना आज मोबाइल लेना अलाउ नहीं है, तो फाइनली गाइस पेपर हो चुका है मेरा और आज पूरा खुला खुला हो गया भाई। ये ऐसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है देख। तो फाइनली गाइस अम्मा अचानक से ना पहाड़ से यहाँ आ गई, देख सकते हो। तो गाइस ना यहाँ पर कुछ काम चला हुआ है और ममता को ना ऐसा शौक लगा कि गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं प्रवेश हल्द्वानी से। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से हो चुकी है। तो आज मैंने ना जाना है कॉलेज में एग्जाम देने, क्योंकि मेरे आज से हो चुके हैं एग्जाम स्टार्ट। तो मैंने आपको पहले पुराने वाले ब्लॉग में दिखाया कि मेरा असाइनमेंट जमा हो चुका है करके, तो आप देख सकते हो यह है मेरा एडमिट कार्ड। तो चलो चलते हैं फिर। तो गाइस ना आज मोबाइल लेना अलाउ नहीं है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में कि मतलब जब मैं एग्जाम देके आ जाऊँगा। तो चलो चलते हैं फिर, पहले मैं एग्जाम देके आता हूँ। जय श्री राम, एग्जाम अच्छा जाए। तो फाइनली गाइस मेरा पेपर हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूँ घर, और ना यहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था जहाँ मेरा कॉलेज है। तो फिलहाल के लिए तो मैं घर पहुंच चुका हूँ और अभी दिन के बज रहे हैं ना 2। तो चलो चलते हैं फिर, कपड़े बदलते हैं और हाथ में धोते हैं फिर खाना खाते हैं। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और घर आके देखा ना आज जो हमारे मकान मालिक थे उन्होंने सारे पेड़ काट दिए हैं भयंकर। ऐसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है देखा था। आज पूरा खुला खुला हो गया भाई ये करो। इस साइड भी कितने बड़े बड़े पेड़ थे, इन पेड़ों को छोटा छोटा कलम कर दिया इन्होंने। तो ना ये छोटा हाथी भी आ गया जो एक टुकड़े हुए हैं, इन सारे टुकड़ों को छोटा हाथी में भरा जाएगा और पता नहीं ये बेच देंगे इन लकड़ियों को। तो दोस्तों यहाँ पर ना जो बड़े बड़े पेड़ थे उन पेड़ों को काट दिया गया है, देखो कितने अच्छे लगते थे यार। तो गाइस ना जो हमारे सामने भी पेड़ थे, जो हमारे सामने भी दिखाई थे, वो सारे काट दिए हैं, मतलब कि वो बहुत बड़े बड़े हो गए। तो उन लोगों ने उसकी कटाई छिलाई कर दी है। अभी ना दिन के 2:30 बज रहे हैं, तो यार मेरा कल को छोड़ के परसों को मेरा पेपर है, तो अपना परसों का तैयारी करता हूँ कि पेपर यार बहुत तगड़ा पेपर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ करके। परसों को हिस्ट्री का पेपर है, उसके बाद फिर पॉलिटिकल का, तो उसके बाद पेपर है ही। तो करते हैं फिर अपनी पढ़ाई। तारुदी और चाची तो चले गए हैं नीचे बुआ के घर की ओर, तो मैं भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली गाइस अम्मा अचानक से ना पहाड़ से यहाँ आ गई, देख सकते हो। ये देखो मेरी अम्मा ना, ये मेरी अम्मा है, आप वो बहुत पहले देखा होगा मेरी अम्मा को, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला। लेकिन आज फिर आ चुकी है अम्मा, मतलब अचानक से आया, बिल्कुल बताया भी नहीं मैं आ रही हूँ करके। फिर हम भी शौक हो गए भाई साहब, जैसे ही देखा मैं पेपर दे के आया, और जैसे ही मैं पेपर दे के आया बाहर गाड़ी खड़ी, मैंने कहा ये कौन आ गया। फिर उसके बाद देखा अम्मा वहाँ से उतर रही है, मैंने कहा अम्मा, अचानक से आ गई, अम्मा से मिलाते हैं फिर। अम्मा और बताओ कस बहुत उम्र वो जान बहुत बढ़िया अम्मा, तू बड़ पट्टे गए वहाँ जा रहे पहाड़ जा रहे भड़का हुआ गया तू ना तो बड़ खतरनाक सी पूंज है। तो गाइस ना अभी मैं मार्केट से कुछ सामान ले आता हूँ, तो चलते हैं फिर। तो गाइस चलते हैं फिर, अम्मा भी आ गई है। ए मेरी धन्नू चल। तो फिलहाल गाइस चलते हैं फिर, पहले फटाफट ले आते हैं। अम्मा ना अचानक से आई तो बताया नहीं, जिस कारण हमने खाना भी इस फिक्स बनाया था। और चलते हैं फिर, पहले अम्मा को ले कुछ लाते हैं यार, चटाफटक, थोड़ा गाड़ी भी लगी हुई है। तो गाइस ना यहाँ पर कुछ काम चला हुआ है, तो यहाँ पर हुआ बंद। तो गाइस ना वहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, मैं मारता हूँ और शॉर्ट रास्ता, मैंने शॉर्ट रास्ता देखा है ना, तो चलो चलते हैं फिर शॉर्ट रास्ते में। तो गाइस ना यहाँ पर काम चल रहा था और मैंने यहाँ से शॉर्ट मार लिया, देखो इधर से मैंने शॉर्ट मार लिया। तो अभी चलते हैं फिर, देखो इधर से चढ़ाना है, उसके बाद गली के रास्ते नहीं। आ रहा था वहाँ पर, वो लोग अभी भी वहीं खड़े हैं, बट मैं वहाँ से शॉर्ट ले आया, तो मैंने बहुत जल्दी पहुँच गया। इसे बोलते हैं दिमाग, मतलब ना अगर मैं वहाँ पर रुक जाता तो अम्मा भी घर में परेशान और मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता, इस वजह से मैं शॉर्ट लिया और अपना काम करके निकल लिया। तो चलते हैं फिर घर को, निकलते हैं। यह है इसमें सामान और कुछ सामान इसमें है, तो चलो चलते हैं फिर। तो गाइस यह चाउमीन, और ना अम्मा का कुछ चटपट खाने जैसी लगी थी, तो हम चाउमीन ले आए हैं और मैं भी कुछ चाउमीन खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बाय।
तो यह चाउमीन भाई है गर्मा गर्म, तो चलते हैं। तो गाइस खाना पीना सारा हो चुका है और ना अब अम्मा को आराम करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अम्मा ना यार वहाँ से आए हैं तो अम्मा थकी हुई है हल्की फुल्की, तो अम्मा आराम कर लेगी, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको शाम को। मतलब कि अम्मा भी बुआ के घर भी जा सकती है ना अम्मा, अभी तो अम्मा बुआ के घर नहीं जाएगी ना, लेकिन कल के जो हमारा अगला ब्लॉग है ना उसमें आपको बुआ के घर जाए हुई मिलेगी अम्मा। तो अभी आराम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो गाइस मनसा भी आ गई है कॉलेज से और मनसा को ना ऐसा शौक लगा कि अंदर कौन है घर के भाई साहब। तो गाइस शाम हो चुकी है ना और अब जगा लेते हैं बत्ती, तो पहले हाथ में धो लेते हैं उसके बाद।